गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स रियली ब्यूटीफुल मॉर्निंग आउट हेयर। अभी हम जस्ट गोविंद घाट के लिए निकलेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर की ड्राइव है यहाँ से, एंड देन वहाँ से फिर घांगरिया के लिए हमारी ट्रैक स्टार्ट होगी। एंड आज का प्लान यही है कि बस हमें घांगरिया तक पहुँचना है। जोशीमठ से 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम गोविंद घाट पहुँच गए। वहाँ से फिर एक लोकल व्हीकल में हम पुलना विलेज पहुँचे, एंड जहाँ से फिर हमारी घांगरिया के लिए 10 किलोमीटर्स की ट्रैक स्टार्ट हुई। तो गाइस, हमारा घांगरिया तक का ट्रैक स्टार्ट हो गया। अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स का ट्रैक है, एंड आई थिंक 4 to 5 hours लगने चाहिए। यहाँ पर पोर्टर्स अवेलेबल हैं तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं बैग कैरी करने के लिए, बट हमने ऑफ नहीं करा। सी आवर स्टेमिना एंड सी हाउ लॉन्ग कैन वी गो। हमने आधी डिस्टेंस कवर कर लिया और यहाँ पर और सच में मौसम बहुत मस्त हो गया है। अभी 5 किलोमीटर और बच रहे हैं और बहुत ही स्टीप चढ़ाई है, तो 5 किलोमीटर बचे हैं। जैसे जैसे घांगरिया पास आ रहा था, व्यूज इतने औसम होते जा रहे थे, एंड बारिश के बाद मौसम इतना मस्त हो गया कि थकान का पता ही नहीं चला। घांगरिया तक की ट्रैक ही इतनी ब्यूटीफुल थी, वी जस्ट कुडंट वेट फॉर वैली ऑफ फ्लावर्स द नेक्स्ट डे। सो गाइस, हमने सेकेंड डे की ट्रैक वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए स्टार्ट कर दिया है। अभी यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 3 या 4 किलोमीटर है, 10:30 या 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। हम 7 बजे निकले थे वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रैक के लिए, तो 10:30 बजे तक हम पहुँच जाना चाहिए। एंड वैली में एंटर होने के बाद 10 किलोमीटर्स तक वैली है, तो हम अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमारा प्लान है एटलीस्ट वहाँ 2-3 आवर्स बिताएँ। इस यहाँ से रास्ता डिवाइड हो रहा है, उस साइड वैली ऑफ फ्लावर्स जाते हैं एंड इन साइड हेमकुंड साहिब के लिए जहाँ हम कल जाएंगे। इस पेड़ का नाम भोजपत्र है। इसकी बार्क जो होती है, स्किन, उसको एंशियंट टाइम्स में पेपर की तरह यूज़ करते थे। सारे वेदास इसी ट्री की बार्क पे लिखे हुए हैं। बहुत रुक रुक के जाना पड़ रहा है, मतलब बहुत शानदार व्यूज़ आ रहे हैं। फ्लावर्स तो अभी से स्टार्ट हो गए हैं, पुष्पावती रिवर आई थी अभी और इसमें बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। बस वैली ऑफ फ्लावर्स फाइनली स्टार्ट हो गई है। वैसे स्टार्ट तो मीन्स ये ट्रेल काफ़ी पहले स्टार्ट हो जाता है फ्लावर्स। अब यहाँ पर दोनों साइड फ्लावर्स दिखेंगे और बट मौसम अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं है, बारिश होने लग गई है अभी 15-20 मिनट से, तो कुछ दिख नहीं रहा है, पीक्स वगैरह कुछ नहीं दिख रही है। अब बस ना हम ज़्यादा आगे भी नहीं जा सकते क्योंकि वेदर बारिश ज़्यादा हो जाएगी तो आगे जाने नहीं देंगे हमें, तो अब देखते कितना हम कवर कर सकते हैं। Thank you.
सो गाइस अभी हम जस्ट लौटने वाले थे, तभी हमारे गाइड मिले और उन्होंने बोला कि थोड़ा आगे और चलो, पुष्पावती रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम आगे आए एंड मैन दिस प्लेस इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये है असली वैली, पूरे क्लाउड्स एंड थोड़ा क्लाउड्स भी क्लियर हो गए तो वैली का व्यू दिख रहा है। तो मैं अगर हम लौट जाते तो पता नहीं क्या मिस कर देते। अगर आप आ रहे हैं तो यू शुड कम टू दिस प्लेस। वो लगभग आई थिंक 5 किलोमीटर्स अंदर है वैली के एंड यहाँ से पुष्पावती रिवर स्टार्ट होती है। Took us 5 hours struggle in bus, 10 hours drive, 10 kilometers trek on day 1 and 7 kilometers trek on day 2 to reach that place on earth. But you know what? That moment of being at that place is something we will never forget our lifetime. Unfortunately, all great things must come to an end. But luckily, jaate jaate thoda weather bhi clear ho gaya and we got to see valley in its full beauty. So guys, aapko video agar ye acha laga to please like karna mat bhuliyega and do subscribe to our channel. Kal hum Hemkund Sahib ja rahe hain, तो वो ट्रैक भी बहुत ऑसम होने वाली है एंड तब तक के लिए बाय बाय। ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।